मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है लोकल ट्रेन, और अगर लोकल ट्रेन की सेवाएं ठप हो जाए और वो भी शाम के टाइम जब पीक आवर्स हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबईकर्स को कितनी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। बता दें आपको, आज एक बार फिर से मुंबई की हर्बर सेवाएं ठप हो गई और 19 लोकल ट्रेन सेवाओं को भी रद्द करना पड़ा, और जो ट्रेन चल रही थी वो 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है। पिछले 10 दिनों के भीतर ये तीसरी बार ऐसा हुआ मुंबईकर्स के साथ, जिसके बाद मुंबईकर्स से जब सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना है कि मेंटेनेंस के नाम पर जब आप रविवार के दिन मेगा ब्लॉक करते हैं तो आखिरकार आप क्यों नहीं ये सब तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने का काम करते हैं, क्यों नहीं टेक्निकल जो चीज़ें हैं उसे आप लोग ठीक करते हैं। बता दें मुंबईकर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है, क्योंकि लोकल ट्रेन सेवाएँ सुचारू रूप से सही ढंग से चल नहीं पा रही है। चाहे वो CSMT से पनवेल के बीच की बात करें हम, चाहे आपको वेस्टर्न लाइन की बात करें, चाहे हर्बल लाइन की बात करें, ये समस्या हर जगह है। लेकिन आज जो ये समस्या निकल कर आई 19 लोकल ट्रेन सेवाएं, ये हर्बल लाइन की ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं और मुंबईकर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अपडेट में कुछ नई खबरों के साथ।